कलेक्टर ने दी बच्चों की क्लास, प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में दी समझाइश। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री से मांगी गाय, भैंस और बकरी, अभी तक नहीं मिली छात्रों को छात्रवृत्ति। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने महावैक्सीनेशन अभियान में वैक्सीन लगाने की लोगों से की अपील। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह रखने की मांग। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए नवाचार ज्ञानशय की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गर्ल्स कॉलेज में फिर से प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विषयवार विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विद्यार्थियों की कक्षा ली, जिसमें उन्हें भारतीय राजनीति और संविधान के बारे में पढ़ाया, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का वितरण। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग सेपरेशन ऑफ पावर। लिखिए। एनएसयूआई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से पालतू जानवर गाय, भैंस और बकरी छात्रों को दिए जाने की गुहार लगाई। एनएसयूआई नेताओं का कहना था कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के बाद अभी तक विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि नहीं आई है। कोरोना में आर्थिक रूप से कोई भी सहयोग छात्रों को शासन द्वारा नहीं दिया गया है, अब उनके पास कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए भी राशि नहीं है। इसी कारण छात्रों को पालतू जानवर शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे इनका पालन कर अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके। एनएसयूआई मांग करती है कि स्टूडेंट को पालतू जानवर जैसे गाय हो गया, भैंस बकरी हमको प्रशासन दे, जिससे हम उसका पालन पोषण करके उससे हम कॉलेज की फीस जमा कर सकें, जिससे स्टूडेंट अपने भविष्य को भविष्य में अच्छा कार्य कर सके। इसलिए आज हम एनएसयूआई ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी को बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द डाले, और यदि स्कॉलरशिप नहीं दे रही है तो कॉलेज प्रशासन हमें गाय, भैंस, बकरी इत्यादि प्रदान करे, जिससे हम उनको चरा कर और दूध से अच्छी आय कमा कर हमारी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। भाजपा कार्यालय में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि, बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक साहू सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हुए। इरादे नेक हो तो आप इच्छित परिणाम। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने 17 सितंबर को होने वाले महावैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। समस्त जिलावासियों से अनुरोध है कि 17 तारीख अर्थात कल वैक्सीनेशन का एक महाअभियान फिर से चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों का लक्ष्य लगभग 1,00,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करना है। ज़िले में अभी तक 70% लोगों को प्रथम डोज लग चुका है, अभी भी 30% लोग बचे हुए हैं। सबों से मेरी अपील है, बड़ी संख्या में घरों से बाहर आएं, आपके घर के आसपास हर जगह केंद्र मिलेंगे आपको, और कई स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से आपके ऑलमोस्ट डोर स्टेप पे आपको टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए बिना किसी भ्रम में पड़े, बिना किसी डर में आए, सभी लोग बड़ी संख्या में बाहर आएं, टीका लगवाएं। छिंदवाड़ा के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आगामी 17 सितंबर 2021 को पुनः वैक्सीनेशन के तीसरे महाअभियान में आप सभी नागरिकगण जिन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, अब और विलंब मत करिए और शीघ्रता शीघ्र यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसका पहला डोज वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर तुरंत लगवाइए, और यदि आपने पहला डोज लगवा लिया है तो समय सीमा पूरी होने पर दूसरा डोज भी अपने निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाकर अवश्य लगवाएं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम 1857 की क्रांति के वीर सपूत राजा शंकर शाह के नाम पर किए जाने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद के लोगों का कहना था कि राजा शंकर शाह मध्य प्रदेश के महान क्रांतिकारी थे, इसीलिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। यदि शासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे इसे लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, उनका नाम श्री महाप्रतापी 1857 की क्रांति के वीर सपूत श्री राजा शंकर शाह जी के नाम से इस महाविद्यालय का, इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए। और साथ ही साथ यदि हमारी यहाँ मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम पूरे जिले और जिले भर में यहाँ उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ छिंदवाड़ा, सीनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, जो कॉलेज यहाँ इससे संबंध है, उस सभी जगह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेंगी, जिसका जवाबदार प्रशासन होगा। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के आदेश पर निगम के राजस्व अमले ने गुरुवार को शहर के मुख्य बाजारों में अव्यवस्था फैला रहे फुटपाथ की दुकानों पर कार्रवाई की। ऐसे अस्थायी बैठकी वाली दुकानों को नियंत्रित करने के लिए दल बनाकर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई पोस्ट ऑफिस के सामने, जेल गेट के बाजू में, इतवारी बाजार, बुधवारी बाजार और फवारा चौक में की गई। वाल्मीकि समाज द्वारा कुंडीपुरा थाने के सामने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका छिंदवाड़ा में अभिनंदन किया। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वाल्मीकि समाज द्वारा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि का वाल्मीकि गुरुद्वारे में सम्मान किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने विविध मांगों को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि को ज्ञापन दिया, जिसमें नगर निगम कर्मियों को कलेक्ट्रेट रेट में वेतन देने, नियमितीकरण करने और प्रमोशन सहित अन्य मांगे शामिल थी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कन्हैराम रघुवंशी सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वाल्मीकि महासभा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी का वाल्मीकि गुरुद्वारा छिंदवाड़ा में सम्मान किया गया और समाज ने उनसे अपेक्षा रखी है और करी है कि हमारी जो नगर निगम से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे नगर पालिका के जो कर्मचारी अनुबंध में लगे हैं उनको कलेक्टेड रेट नहीं मिल रहा है, उनको कलेक्टेड रेट दिया जाए। उनसे अपेक्षा और मांग की गई है कि संगठन के माध्यम से आप कलेक्टेड से हमारी समस्याओं को हल करा के जो वर्तमान में कलेक्टेड रेट है उसका रेट हमें कर्मचारियों को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत नगर मंडल भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के एक दिन पूर्व नगरी क्षेत्र के विभिन्न देव स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने मंदिरों की साफ सफाई की। छिंदवाड़ा जिले के लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण कानून पर क्षमता वर्धन किया गया। संभाग समन्वयक संजय शर्मा ने कहा कि भारत में 12 से 13 लाख लोगों की मौत का कारण तंबाकू से होने वाली बीमारियां हैं। सरकार ने तंबाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए तंबाकू नियंत्रण कानून बनाया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
दुर्गम क्षेत्र में ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जुन्नार के विधायक सुनील उइके द्वारा स्वयं के निजी व्यय से एक वैक्सीनेशन वैन जिला प्रशासन को प्रदान की गई है। विधायक सुनील उइके ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि भाजपा सरकार का ध्यान छिंदवाड़ा की ओर नहीं है, वे छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। भाजपा के जो मंत्री छिंदवाड़ा आते हैं वे यहाँ पर्यटन घूमने के हिसाब से आते हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। क्योंकि जुन्नारदेव विधानसभा बड़ा दुर्गम स्थिति में बसा हुआ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी विधानसभा होने के कारण कई बार बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग जागरूक भी हुए हैं और प्रशासन शासन की मदद से जनप्रतिनिधियों की मदद से लोग वैक्सीनेट तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी जगह है जहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही और नहीं पहुँच पा रही है। तो जिसको दृष्टिगत रखते हुए मैं और हमारे साथियों ने, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित सभी हमारे साथियों ने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से आग्रह किया, तो उनके निर्देश पर आज ये कोविड वैन यहाँ पे हमने कलेक्टर महोदय को सौंपी है कि ये जो वैन है ये शासन या प्रशासन के व्यय से नहीं चले, ये माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से स्वयं के वे पे इसका डीजल इसका ड्राइवर जब तक वैक्सीनेट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये गाड़ी प्रशासन शासन को बीएमओ को उपलब्ध करा दी जाएगी। छिंदवाड़ा में दस लक्षण महापर्व पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा धर्म आराधना का क्रम जारी है। पर्वराज के सातवें दिवस गुरुवार भादोसुदी दशमी के शुभ दिन श्रावकगणों ने उत्तम तप धर्म की आराधना की। इस अवसर पर श्री आदिनाथ जिनालय गोलगंज में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने सामूहिक रूप से पूजन कर श्री जिनेन्द्र भगवान का गुणगान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला स्व सहायता समूह उन्मुखीकरण और संवाद कार्यक्रम कलेक्ट्रेट बीसी कक्ष में वर्चुअल रखा गया, जिसमें समूह की महिलाएं और जिला पंचायत सीईओ उपस्थित थे। जुन्नारदेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 71 लाख वैक्सीनेशन महाभियान का लक्ष्य की योजना बनाई गई है। हर बूथ पर 111 का लक्ष्य लिया गया है। इस दौरान प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, महामंत्री परमजीत सिंह विज, जिला उपाध्यक्ष योगेश साहू, भाजपा विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित हुए। नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111। नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111। नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111। और खबरों के साथ ही गणेश भक्तों के लिए एमएसटीवी लेकर आया है सेल्फी विद गणेशा, जिसमें आप भी अपने घर ऑफिस में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ अपनी सेल्फी लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9827793933 और 7067350626 पर भेजे आपकी सेल्फी को। छिंदवाड़ा के न्यूज बुलेटिन छिंदवाड़ा लाइव में प्रसारित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।